फ्रेंड्स, ये रहा पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर। आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड। नियम कानून, रीति रिवाज सब हमारी ज़िंदगी के सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं। अगर ये सब हमारी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर बाधा बनते हैं तो उसे तोड़ने में कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते कि वह सही काम के लिए हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन ना? आई एम ऑल्सो वेरी वेल। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेज में मैंने आपको यूज़ ऑफ कैन बताया था, कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम कैन का ही इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन नोट्स बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पिछली क्लासेज में जो मैंने कैन के बारे में बताया था कि कैन का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, कब करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। पिछली क्लासेज में मैंने आपको कैन यानी इंपरेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेज बताया था। आज की क्लास में मैं उसी कैन का इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स, इंटरोगेटिव कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। वेरी इजी। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए जब हम किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। मैं ये चीज़ आपसे बहुत बार कह चुका हूँ और आप अच्छी तरह से समझ भी चुके होंगे, इसके लिए इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब चल रहा है वो कैन है, तो हम इंटरोगेटिव में जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनको बनाने के लिए कैन हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। जैसे क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? सिंपल है, कैन यू क्लाइंब अप द ट्री? क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है? ठीक है फ्रेंड, कैन ही स्पीक इंग्लिश? सिंपल है फ्रेंड। फ्रेंड, मैं कभी भी इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स बनाते वक्त तो मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स नहीं देता, तो आप ये मत समझना कि सर को पता नहीं है या याद नहीं रहता है कि क्वेश्चन मार्क्स क्यों नहीं देते हैं। ये क्वेश्चन है, आप समझ लो, मार्क्स देने का इतना फॉर्मेलिटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आप ध्यान रखना, बस बोल चाल में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाया जाए। हम क्वेश्चन बोल ही रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क्स लगाने की क्या ज़रूरत है? ये फॉर्मेलिटी है, ये मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। बस एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पर विस्मयादि बोधक होना चाहिए, यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए, यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। वो सब चीज़ें लैंग्वेज में काम नहीं आता। लैंग्वेज में हम बोलने का जो फॉलो होता है, आप फॉलो तभी आप जानेंगे जब आप इंग्लिश सीख जाएंगे, जब आप भाषा को अच्छी तरह से बोलना सीख जाएंगे। जब आप किसी भी भाषा में अच्छी तरह से बोलने लगते हो तब उसके बाद हम सोचते हैं कि हम अपनी भाषा को और भी सुधारें, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है बोलना शुरू करना, बोलना सीखना, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम इसमें नेगेटिव डालते हैं कि क्या हुआ अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, तो कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश? ठीक है फ्रेंड, या इसका हम शॉर्ट फॉर्म अगर लिखते हैं तो कैंट ही
स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से लिख लो एक बार और अच्छी तरह से पढ़ कर समझ लेना, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। इसमें आपको ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, इसमें सिर्फ कैन लगाना है बस। सेंटेंस में पहले कैन लगाओ, सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर बना डालो। ठीक है फ्रेंड, ओके, लेट्स लर्न हाउ टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। व्हाट इज द मेकिंग फॉर्मूला ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, आपको याद है ना? व्हाट इज द मेकिंग फॉर्मूला ऑफ क्वेश्चन वर्ड? क्वेश्चन वर्ड सभी स्टेप्स में सेम के सेम फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड, इसमें भी वही होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, मीन्स इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी लिख देते हैं ना, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स अगर हो तो अदर्स। हम कैसे वहाँ जा सकते हैं, हम कैसे वहाँ जा सकते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, सॉरी हाउ कैन वी गो देयर, हाउ कैन वी गो देयर, तुम क्या कर सकते हो, तो क्या मीन्स व्हाट कैन यू डू, वह मदद क्यों नहीं कर सकता है। इसमें मैंने नेगेटिव भी लिया है, तो व्हाई कैन ही नॉट हेल्प। ठीक है फ्रेंड, अगर हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो व्हाई कांट ही हेल्प, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में कैन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। आप इन सेंटेंसेस को लिख लेना एक बार और अच्छी तरह से पढ़ के समझ लेना। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या तुम कल मेरे घर आ सकते हो, मीन्स क्या आपके अंदर एबिलिटी है मेरे घर कल आने की, तो कैन यू कम टू माई हाउस टुमारो। ठीक है फ्रेंड, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश या कांट ही स्पीक इंग्लिश, क्या वे लोग तैर सकते हैं, कैन दे स्विम, वह कब आ सकता है, व्हेन कैन ही कम, मीन्स वह कब आ सकता है, मैं संभावना की बात नहीं कर रहा हूँ, मीन्स वो उसके अंदर कब टाइम है कि वो आ सकता है, उसके अंदर एबिलिटी कब है आने की मेरे पास, तो व्हेन कैन ही कम। ठीक है फ्रेंड, अंग्रेजी कौन बोल सकता है, हु कैन स्पीक इंग्लिश, गीत कौन गा सकता है, हु कैन सिंग अ सॉन्ग, बहुत ईजी है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कैन में इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट और धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये रहा आपका आज के लिए होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ कर बना लेना। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।